सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और टाइटल और थंबनेल देखने के बाद तो आपको पता ही चल गया कि व्लॉग किसके बारे में है। सो हम लोग आईफोन 12 से अभी व्लॉगिंग करने वाले हैं नाइट में। और ये सैटरडे है, सैटरडे नाइट के दिन हम घूमने को जाते हैं। और मेरे साथ है मेरे कुछ दोस्त, जैसे ये राहुल, ये पारस। तो कभी स्नेहल अपने व्लॉग में नहीं आया, स्नेहल इधर है, तो बताओ उसने कैसे लग रहा है व्लॉग में मेरे पास। और ये क्या लग रहा है आज मुझे पता चला क्या बोल रहे हैं आज मुझे पता चला कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ यार वो ने आज। अरे पारस, तो अभी एकदम सिंपल व्लॉग है, एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्लॉग नहीं है। हम नहीं क्या यहाँ से एक जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छी लस्सी मिलती है, वहाँ पे लस्सी पियेंगे और थोड़ा नागपुर घूमेंगे नाइट में। तो ये वही सिंपल व्लॉग है, वहाँ पे मिलते हैं आपको। और पारस थोड़ा ये तो कर दो, हटा तो दो ये। दोस्तों हाय, गाइस अभी हम मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं अशोक चौक में और अभी 11:50 हो गई है। सब्सक्राइब केलं ना तर आता मी लस्सी पाहिजे, लस्सी पाहिजे जाते है और लस्सी पीते है। बहुत अच्छी लस्सी मिळते वहां वैसे तो। पारस कैसी लगी लस्सी? भाई एक महीना हो गया रोज लस्सी पी रहा हूँ शाम को। और स्नेहल लस्सी कैसी लगी? बड़ी भूल गया लस्सी पी के। राहुल बिल्कुल टेस्टी है, टेस्टी चांगला ना सांग टेस्टी है रे। हाँ होगा वो वहाँ पे एक पारस लिखा है, एक फ्रेंचाइजी है वो। अरे दुकान में दम वम करवा दूंगा कुछ। यही बात तो पारस और एक ग्लास पिला रहा रस्सी अभी। और ये और एक ग्लास रस्सी तैयार रही। अरे ये तो मेरी है, और पिलाना है। भाई ने पहले भी एक पी चुका है, दूसरी भी ले आए हैं। मेरा पिएंगा ही नहीं रस्सी। अब हम दोनों भी बार वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लास्ट में। अभी ये दूसरा राउंड चल रहा है रस्सी का, धीरे धीरे सीखने का चालू होगा। और अभी तीसरा भी हो सकता है, बट अभी ट्राई काफी है अभी के लिए। दूसरी भी खत्म हो गई भाई, दूसरी भी खत्म हो गई। खाना भी खाया, ये दो भी खाया, पता नहीं सुबह क्या होगा। भाई ने अभी बोला है कि पहले तो इसने एक पी लिया है, लेकिन अभी एक ही घुट में पूरा पीने वाला है बोलते हैं। होगा कि नहीं होगा देखते हैं। नहीं होगा तो देखते फिर। ये लो एक रुपया। भाई लस्सी पी के पूरी मजा आ गई। कैसा लगा आपको लस्सी? आज तो आप तो रोज आते हो, लस्सी कैसी लगी आपको आज की? बताया ना भाई लस्सी। भाई आज थोड़ा क्रीम ज्यादा था ना? हाँ, ये पेट पकड़ के खड़े होंगे, पेट बाहर निकल गया थोड़ा सा। लस्सी से शादी कर लू। भाई ने आज खाना नहीं खाया बोलते, इसलिए डबल डबल पिया। मैकेनिकल इंजीनियर, ये मैकेनिकल इंजीनियर है तो दिख तो रहा है शक्ल से। तो अभी हमारी लस्सी पी के हो गई, लस्सी पी के मजा आ गया। पर मेरे को सेकंड वाली लस्सी बराबर पीने को नहीं मिली, क्योंकि इसने बोल दिया एक घूट में पी जा पूरी लस्सी, और मैंने वही चक्कर में पूरी लस्सी पी ली। और अभी इसकी जो मजा आती ना, जो धीरे धीरे में पीने में वो मजा नहीं आया भाई। कल पियेंगे ना भाई, और कल तो तीन तीन ग्लास पीना है कल फिर से।
और हमारा एक रहता है, हम हर वीक में यानी हर एक वीक में वो शॉप पे 3 से 4 बार तो जाती है भाई। आज ये वीक में तो पूरा वीक आए हैं हम लोग। अभी तो ये मेरे 3 ग्लास हो गए, क्योंकि इसके पहले भी मैं मेरे मामा के साथ आया था यहाँ पे लस्सी पीने को। सो अभी लस्सी बहुत अच्छी लगी और अभी अपने नए जगह पे जाते हैं और देखते हैं। रग रग में लस्सी हो गई है। अभी अपन जाने वाले हैं आपसे सदर जाते हैं। अभी सीधा सदर में कि हमारे एक दोस्त थे, उसको नहीं क्या साला तुम फरारी भी दे दो ना, फिर भी वो 10 की स्पीड से ही गाड़ी चलाएगा। उसी की वेट चालू है, ऐसे रुके हाँ, वो बॉटल लेने को गया है सुनसान सड़क तो नहीं, हम किसी से डरते भी नहीं, वैसे बोला जाए तो हमसे डर लोग डरते हैं, लोग डर जाते हैं हमसे, लोग हमसे डरते हैं, हम नहीं डरते लोग। हाँ वही तो, अभी यहाँ पे रुकना पड़ रहा है क्योंकि उसको पता नहीं लस्सी पीने के बाद पानी पीने की वो ये हो जाती है तलब आतुरता डिजायर नीड ये सब हो जाता है उसको, इसलिए अभी हमको यहाँ रुकना पड़ रहा है। और आज पता नहीं अनफॉर्चुनेटली पीली पीली टी शर्ट पहन लिया दोनों ने। अभी पता नहीं इसने मुझे कॉपी किया कि मैंने इसको कॉपी किया, जो भी है कर लिया। नहीं वैसा नहीं है, मेरे को जो टी शर्ट मिली वो पहन लेता मैं। मेरा भी वैसे ही जो रही कबर्ड में वो निकाल लेना और पहन लेना। बट भाई एक बात देखी मैंने आईफोन की, आईफोन में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देती है और क्लियरिटी भी बहुत अच्छी रहती है। हाँ पिक्सल भी स्टेडी रहते हैं, पिक्सल पट्टे नहीं है। और लोग भी नोटिस करते हैं यार कि ये बंदा आईफोन लेके ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई बड़ा ब्लॉगर होगा। बड़ा ब्लॉगर तो तब बनूंगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, नहीं तो क्या है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो बीच में से। अगर आप पूरा देखोगे तो हो जाएगा इतना, एक दिन लोग भी पहचानेंगे कि नहीं ये जॉय ब्लॉग है करके। अभी वो आप पर है तो देखिए इस इंसान को, ये देखिए इसको, अगर तुम फेरारी भी दोगे ना तो ये उसको 10 की स्पीड से ही चलाएगा। फरारी भी बोलेगा साला किसके हाथ में आ गई मैं, फरारी बोलेगा इसने फरारी को मारुति 800 बना देगा। आज नहीं आज नहीं, ठंडा पानी और गरम साइलेंसर के ऊपर जाएंगे, देखो ये पानी पानी नहीं रहा। और भाई ने लगाया 10 मिनट और लाई आधी बॉटल, खुद ने पूरी पी ली है। नहीं आधे से ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट में चला गया, चैलेंज सर के ऊपर डाल दिया आधे से ज़्यादा। और अगर ये विंटर रहता ना, अगर ये विंटर रहता तो हमारी खास दुकान रहती जहाँ पे हम चाय पीने को जाते हैं, यहाँ पे आगे में है वो दुकान। पर अभी विंटर है और हम वैसे भी ज़्यादा चाय नहीं पीते, अभी समर है। समर है और ये पोल के ऊपर किसी ने लिखा है विकास, थोड़ा गाड़ी अच्छे से चलाओ विकास हो जाएगा। हमारा तीसरा स्टॉप है वॉकर स्ट्रीट, जहाँ पे एक से एक बंदे फोटोशूट करने को आते हैं। और अभी कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है, देख लीजिए आप, ना मेरे कुत्ता है ना कोई चीता है, ये साइड में भी और ये साइड में भी कोई नहीं है। अगर कोई आपने दिखा दिया वीडियो में तो आपको क्या है तो अगले व्लॉग में आने का मौका, आपको मिलेंगे, आपको ये आईफोन 12 मिल जाएगा। तो क्या है दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि साला ये रात में घूम कर आ रहे हैं चार लोग, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि दिन में घूमने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए आपको निकलते हैं और रात को यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगता है। और रात को एक्चुअली जो ठंड रहती है वाले एरिया में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दिन में बहुत उमस रही दिन में बहुत उमस रही थी, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है दिन में, और नाइट में कैसी हम मजा करते हैं। नाइट में हम बहुत तबियत में घूमने को जाते हैं, क्या है तो एंजॉय करते हैं रात को। बेसिकली ये जगह ये मुख्यमंत्री भवन है यहाँ पे, और उनके नीचे जो भी बड़े अधिकारी रहते हैं उनके भी घर है यहाँ पे, गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्टर वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले जितने भी लोग हैं उन सबके, जो बड़े अधिकारी उन सबके यहाँ पे घर रहते हैं। और यहाँ पे ये जो रास्ता, इसको वॉकर स्ट्रीट बोलते हैं क्योंकि यहाँ मॉर्निंग में लोग बहुत घूमने को आते हैं, शाम को भी आते हैं, लेकिन अभी शाम की भी शाम हो गई, अभी 11:30-12 बज रहे समथिंग। और वही
टाइम पास चालू है हमारा, व्लॉगिंग और टाइम पास क्या करना है। और अगर आपको भी चीफ मिनिस्टर जी को मिलना है तो विंटर के टाइम में आना और अधिवेशन के टाइम में। हमारे इधर के कुछ कुछ जो ज्यादा कलाकार लोग है वो फोटोशूट करने को आते हैं यहाँ पे, और जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं वो व्लॉग बनाते हैं यहाँ पे। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, सामने और दिखाते हैं और आगे मिलते हैं आपको। तो अभी देख लिए हम बहुत देर से घूम रहे हैं यहाँ पे, यानी अभी कुछ 12:30 बज रहे हैं अभी टाइम वो हुआ है अभी। और ऐसी भी हुआ हम सिटी के ऐसी दो तीन एक साइड से दूसरे कॉर्नर पे और वहाँ से तीसरी जगह पे ऐसे गए हैं। और हमने इसमें छोटा सा काम भी किया है कि हमने बैक कैमरा से आईफोन 12 और नहीं किया, जो ये है मेरा जो सैमसंग है A50 उसका कंपैरिजन किया है बैक कैमरा के इसमें। तो अगर आपको वो दिख जाए तो कमेंट करके बता दीजिए कि वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे हमने आईफोन यूज़ किया और कहाँ पे सैमसंग यूज़ किया। बट सैमसंग का फ़ोन भी अच्छा है क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द मेरे वीडियो उससे शूट किए हैं, बहुत अच्छा फ़ोन है वो भी। क्योंकि दो बात वो भी है कि प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आईफोन बहुत महंगा है और मेरा सैमसंग का 20,000 का है, शायद 20,000 का लिया था ना, ज़्यादा महंगा कुछ है नहीं। बट जो भी है आप देख लेना, और अभी इतनी मेहनत की है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जॉय व्लॉग्स को। अगर आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो ऐसी कैमरा से, यानी जो DSLR बोलते हैं वो कैमरा, वो उससे रुक नहीं जाना। जब मेरे पास आएगा DSLR नहीं तो आईफोन तभी मैं व्लॉग शूट करूँगा, वैसी नहीं। जब अपने को लगता है कि शूट करना है तो शूट करना है। मैं तो सैमसंग A50 से शूट करता हूँ, आज आईफोन तक हो गया, यानी आईफोन ये मेरा नहीं है वैसे बोला जाए तो। जल्दी हो जाएगा, ये मेरे भाई का है आईफोन, उसको भी मैंने बोला भाई वीडियो शूट करना है तो ये वीडियो के थ्रू मैं उसको बोलना चाहता हूँ जेबू थैंक यू। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग चालू है यहाँ से, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आईफोन भी ले लेंगे कुछ टाइम बाद। तो अभी हमने जहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं पर व्लॉग एंड कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने बात स्टार्ट कहाँ से की थी कि आईफोन की ज़रूरी नहीं रहता आप व्लॉग बना दो तो, सिर्फ आपके पास सिंपल मोबाइल होना जैसे। तो ये देखिए सैमसंग का मेरा फोन, इससे ही मैं व्लॉग बनाता हूँ। मुझे पता है वो बहुत अच्छे व्लॉग नहीं बनाता, जैसे लाइक वो इरफान जुनेजो, सौरभ जोशी व्लॉग, फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई कर निखिल, MSK व्लॉग, इनके जैसे। बट मैं ट्राई करता हूँ हर बार अच्छा व्लॉग बनाने का। और बहुत से जन मुझे कहते हैं कि व्लॉग में थोड़ा अटक जाता है व्लॉग बनाते, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से। मैं ये बोलना चाहता हूँ वो लोग खुद व्लॉग बनाए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से ट्राई करूँगा। आपने बता दिया कि हाँ ये कमी है, बहुत अच्छी बात है ये, तो कमेंट पे भी बताते जाइए ऐसी। नहीं तो मुझे लोग ऐसे मिल जाते, कोई कोई सब्सक्राइबर वो बोल देते हैं, तो बोला ठीक है भाई अच्छी बात है। तो व्लॉग को करते यहाँ पे एंड, और ये पूरा व्लॉग पूरा यानी 80% व्लॉग आईफोन 12 से ही हमने शूट किया है, और इससे ही एंड कर रहे हैं व्लॉग। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए जॉय व्लॉग्स को। स्नेहल कुछ कहना चाहते हो? हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो व्लॉग को करते यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।